की प्लानिंग करना है, इनकी कुटाई करने की। धू 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 नहीं नहीं नहीं, इनकी वो कुटाई वो आपको नाने जान दे हमें, वो आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि किसी को पता तो है ही नहीं कि नीरज आने वाला है। हाँ। पता ही नहीं है ना। बैक टू माई चैनल, मैं हूँ स्वाति और आपका स्वागत है मेरे चैनल अपनी अतरंगी दुनिया में। तो आज है क्रिसमस डे, आप सभी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत अच्छा हो, आपकी जो भी विश हो वो पूरी हो जाए, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि विशेष पूरी होती हैं। तो क्रिसमस डे की आप सबको शुभकामनाएं। आज देखो मैं क्या क्या करती हूँ, अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। ये मैंने अपनी नई मैक्सी मंगवाई है ऑनलाइन, कपड़ा बहुत ही ख़राब है, कॉटन की बोल के, पता नहीं कौन सा कपड़ा है, बट ठीक है, कलर ओके ओके है। कॉम्बो में थी दो, इसलिए मैंने ये ऑर्डर की। एक ब्राउन कलर की है, जो आपको कभी ना कभी मेरी मैक्सी दिखी जाएगी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के बाद फिर खाना वगैरह होगा, उसके बाद देखते हैं शाम को कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो चलते हैं ब्लॉग में, आगे बढ़ते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। बने हैं नाश्ते में मटर पुलाव, कितने देखने में टेस्टी लग रहे हैं, खाने में और भी टेस्टी है, आ जाइए खाते हैं। यहाँ पर मैंने रख दी है मिक्स वेज बनने के लिए, आज बन रही है मिक्स वेज और साथ में बन रही है लौकी। और ये रो रही है आर्या, फुन्नू चाहिए इस लड़की को, क्या चाहिए, नहीं उसको नहीं लेते। तो बस टेस्टी टेस्टी सब्जी, सर्दियों में मिक्स वेज की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर मेरी रेडी है, अब मैं इसमें डालूँगी MDH का किचन किंग मसाला, इससे टेस्ट और फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी आती है। थोड़ा सा डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद डालेंगे हरी धनिया, खूब सारा हरी धनिया। देखिए बहुत ही टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आप लोग भी बताइए आपको मिक्स वेज कैसी लगती है। दोनों सब्जियां रेडी हैं, मिक्स वेज एंड लौकी की सब्जी, गर्मा गर्म सर्व करेंगे बस रोटियों के साथ। वाह फ्रेंड्स, कितनी टेस्टी पानी पूरी है, मुझे बहुत 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 पसंद है। आप लोग बताइएगा आपको पानी पूरी कैसी लगती है। आज मैंने मीशो से कुछ स्टिकर मंगाए हैं, ये मुझे 4 के सेट में मिले हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। ये 4 सेट मुझे मिले हैं, देखो सेट ऑफ 4, और प्राइस भी अच्छा है। ये आर्या ने इधर ये छुटा दी है पुट्टी, तो इसकी जगह पे हम लोग स्टिकर लगाएंगे, क्योंकि आर्या बदमाश से खा जाती है पूरी मिट्टी, इसलिए हमने ये मंगाए हैं। ये मैं आपको लगाने के बाद दिखाऊंगी कि कैसे लगते हैं। ये इस तरीके से 4 सेट में मुझे मिले हैं, अलग अलग हैं, तो लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये लगने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है, आप लोग देखिए कितना क्यूट पांडा है ना। स्टिकर के बाद वॉल बहुत ही प्यारी लगती है फ्रेंड, कितनी प्यारी वॉल लग रही है। ये बिल्कुल आर्या के लिए है, कितनी सुंदर है पांडा, आप लोग बताना आपको कैसे लगे। किसी बुआ को लगाए, बड़ी बुआ को लगाया। आर्या जा रही है डॉक्टर अंकल के पास, ये लड़की रोज बीमार हो जाती है, फिर हम लोग जाते हैं डॉक्टर अंकल के पास। क्या हो गया तुझे चुन्नू, हाय बोल दो, हाय हाय, आ जाओ आओ आओ। मैं चुन्नू है, चुन्नू की मम्मा, चुन्नू के पापा जा रहे हैं घुम्मू करने, हम लोग जा रहे हैं घुम्मू करने। लड़की इस स्माइली के पीछे पड़ी रहती है, जब भी कार में बैठेगी स्माइली चलाती रहेगी। बस कर चुन्नू, thank you.
तो फ्रेंड्स हम लोग आए थे यहाँ पर डिनर करने के लिए। बहुत ही शानदार होटल है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, हम लोग लास्ट थे। पर आप देख सकते हैं इस होटल का लुक और इंटीरियर कितना ही शानदार है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो बस हम लोग अपने डिनर का वेट कर रहे हैं, डिनर आने के बाद हम अपना खाना खा के यहाँ से निकलेंगे। और आर्या मस्त मोबाइल में लगी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना डिलीशियस और टेस्टी डिनर आ चुका है। तो हम लोग इंजॉय करते हैं अपने डिनर को और फिर निकलते हैं घर की ओर। पापा का कैप क्यों लगाया है? ऐते ऐते पापा का कैप लगा के घूम रहे हो? आपका कैप कहाँ है जुनसू?